नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ही फर्सित देश में कंट्रोवर्सी चल रहा, वो चाहे राजद दलाल वर्सेस राजवीर हो, एलबीसी यादव वर्सेस मैक्सन हो, एलबीसी यादव वर्सेस रैंडम सेना हो, लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी एक कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। जी हाँ, और ये कंट्रोवर्सी और किसी के बीच नहीं बल्कि टीवी एंकर, टीवी मीडिया वर्सेस यूट्यूब मीडिया के बीच है। यूट्यूब मीडिया वर्सेस टीवी मीडिया के बीच जंग जारी हो गई, जहां पर समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने एक अपने संबोधन में कहा कि अब YouTube पे लोग ज्यादा कंटेंट अच्छे अच्छे आते हैं और लोग ज्यादातर अब YouTube पर ही न्यूज भी देखते हैं। लेकिन उसके बाद सौरभ भारद्वाज ने दो चार यूट्यूबर का नाम ले लिया, जैसे कि रवीश कुमार हो गए, अभिसार हो गए, साक्षी जोशी हो गई, कुछ यूट्यूबरों का नाम ले लिया, पर उस पे बुरा किसको लगा जानते हैं? बुरा लगा सुशांत सिंह को। जी हाँ, सुशांत सिंह जो बोधी मीडिया का प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे आते हैं, नंबर वन पे हैं, वो चाहे चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में उनका वीडियो तो वायरल हुआ ही था, वो कैसे पर्चा गिना रहे हैं, चीटिंग नहीं हुआ है कह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने एक ट्वीट कर डाला और उन्होंने जो यूट्यूब एंकर है ना उन पर गलत ट्वीट कर कहा ये छपरी यूट्यूबर है, इनको कोई फॉलो नहीं करता है। उसके बाद ये जंग स्टार्ट हो गई है, लोग अपने अपने तरह से ट्रोल करने लगे। घर का आपको उदाहरण देता हूँ, मेरे पिताजी हैं 70 वर्ष से ज्यादा के हैं, मोदी की पॉलिसी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। एक मिनट में मैं बात अपनी खत्म करूंगा, मगर पूरे दिन टीवी इतना दिखाता है कि कोरोना के अंदर मेरे पिताजी भी दिया जला रहे थे कि भाई पता नहीं दिया जलाने से ही कोरोना हट जाएगा, क्योंकि पूरे दिन टीवी दिखाता है। तो अभी पिछले कुछ दिनों उनको उनके किसी मित्र ने यूट्यूब देखना सिखा दिया, और मैं जब घर जाता हूं वो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देख रहे होते हैं, कभी अभिसार को देख रहे होते हैं, कभी अजीत अंजुम को देख रहे होते हैं, कभी साक्षी जोशी को देख रहे होते हैं, कभी किसी और रवीश कुमार को देख रहे होते हैं। तो हम लोगों को, अपने घर के लोगों को यूट्यूब वीडियो देखना सिखाना पड़ेगा, तभी इंडिया जीतेगा।